गणेश चतुर्थी के इस पवित्र अवसर पर और उड़ीसा के बहुत प्रमुख त्यौहार नुआखाई की पूर्व संध्या पर मान्यवर मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे सबके मार्गदर्शक श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जी ने आज हीराखंड एक्सप्रेस और हीराकुद एक्सप्रेस के जो नए अवतार का लोकार्पण किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रधान जी हमको हमेशा गाइड करते हैं किस तरह से उड़ीसा की जो सबसे अंडर डेवलप्ड या एस्पिरेशनल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ का डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें रेल कनेक्टिविटी कैसे आए, रेलवे को लेके उसका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे आए, इन सब विषयों पर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमको डे टू डे गाइडेंस देते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उड़ीसा के लिए एक विशेष स्थान है। इसी विशेष स्थान के कारण उन्होंने उड़ीसा को 7 विभाग दिए हैं। 7 विभाग में रेल विभाग इतना इम्पॉर्टेंट विभाग है क्योंकि जन जन को छूता है। शिक्षा विभाग देश का सबसे इम्पॉर्टेंट विभाग है क्योंकि ये केवल एक जनरेशन नहीं कई कई जनरेशन्स का निर्माण करना होता है तो शिक्षा विभाग से होता है। तो इस तरह से जो पूर्वोदय की कल्पना लेके काम चल रहा है उस काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे जितने साथी रेलवे के अफसर हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि अति कम समय में रिजल्ट दिखा रहे हैं। बहुत